जैसे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और आज भी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनको ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि एक वायर है और वायर में करंट फ्लो कर रहा है, और वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी जो करंट डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि कहीं पर कम है और कहीं पर बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार का करंट डेंसिटी वाला पैटर्न है। देखिए, एक्सिस के पास करंट की वैल्यू कम है, और जैसे जैसे हम एक्सिस से दूर जा रहे हैं करंट की जो डेंसिटी है, करंट की डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या का डेंसिटी है वो लगातार बढ़ रही है। बीच में यानी कि एक्सिस पे करंट की वैल्यू कम, करंट डेंसिटी कम, और दूर जाने पर करंट डेंसिटी वेरी कर रही है। और दूरी आर के साथ, अगर इस दूरी को हम आर कहें, अगर हम इस डिस्टेंस को आर कहें या इस डिस्टेंस को आर कहें, अगर हम इस डिस्टेंस को आर बोलते हैं तो दूरी के साथ जो करंट डेंसिटी है वो इस तरीके से वेरी कर रही है। तो हमारा क्वेश्चन है कि बताइए, आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो से आर इज़ इक्वल टू आर बाई फोर तक, जहाँ पर जो कैपिटल आर है वो इसका रेडियस है, तो आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो से आर इज़ इक्वल टू आर बाई फोर तक इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, क्योंकि वायर में करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए हमको इंटीग्रेशन मेथड से ही करंट निकालना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है आई बाई ए, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि आई इज इक्वल टू जे इंटू ए। तो अगर हम स्मॉल करंट की बात करेंगे, डी आई की बात करेंगे, तो डी आई इज इक्वल टू जे इंटू स्मॉल एरिया लेना पड़ेगा। स्मॉल एरिया का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये हमने एक छोटा सा शेल मान लिया और पतला सा शेल मान लिया, और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये खोखला माना है हमने, हॉलो माना है, और ये मोटाई डी आर है, और रेडियस आर है, और ये जो मोटाई है ये वाली, ये मोटाई डी आर है। तो इस छोटी सी जगह में बहने वाला स्मॉल करंट एलिमेंट, ये देखिए स्मॉल करंट एलिमेंट जो हम यहाँ पे येलो से शो कर रहे हैं, ये स्मॉल करंट एलिमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। डी आई इज इक्वल टू जे, जे के साथ में डी ए, सो डी आई इज इक्वल टू जे, जो कि दिया हुआ है जे नॉट वन माइनस आर बाई आर, और स्मॉल एरिया यानी कि टू पाई आर, और साथ में डी आर और लगाना पड़ेगा। स्मॉल एरिया 2 पाई आर, ये हो गया, ये 2 पाई आर, और ये मोटाई डी आर कर दिया, तो ये स्मॉल एरिया, ये वाला स्मॉल एरिया डिफाइन हो गया, ठीक है ना। तो ये हुआ 2 पाई जे नॉट, और आर को अंदर ले जाएंगे तो आर माइनस आर स्क्वायर बाई आर डी आर, तो एक तरफ डी आई और एक तरफ डी आर, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर देना चाहिए। तो 2 पाई जे नॉट इंटीग्रेशन आर माइनस आर स्क्वायर बाई आर डी आर, ठीक है ना। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन डी आई मतलब आई, 2 पाई जे नॉट, और आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2 और 1 बाई आर, और आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3। ये क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, 0 से लेके आर बाई 4 तक। तो 2 पाई जे नॉट, अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो 1 बाई 2 अपर लिमिट आर स्क्वायर बाई 16 माइनस 1 अपॉन 3 आर बाहर ले लिया, और आर क्यूब यानी कि आर क्यूब बाई 64, ये हो गया करंट डिफाइन कर लिया। हाँ, लिमिट पता, हम लोगों ने लिमिट रख दी, तो 2 पाई जे नॉट अपॉन कॉमन क्या आ जाएगा, 32 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल 32 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर और चलिए अच्छा कॉमन तो आर स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई जे नॉट अपॉन 32, ये कॉमन आ गया, और आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया।
अच्छा ये आर स्क्वायर है और ये आर क्यूब, लेकिन एक आर से जब ये कटेगा तो यहाँ भी आर स्क्वायर आ जाएगा, इस प्रकार से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा 1 - 1/6, ठीक है ना। 32 बाहर आ गया तो यहाँ 2 बचा और 2 × 3 ये 6 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 5/6, ये 16 से हम कट कर देंगे तो आ जाएगा पाई जे नॉट आर स्क्वायर अपॉन 16 और ये 5/6 और आ जाएगा, तो ये नीचे 96 और ऊपर 5, यानी कि 5/96 पाई जे नॉट आर स्क्वायर ये हो गया 5/96 पाई जे नॉट आर स्क्वायर, तो ऑप्शन हमारा सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप जरूर से जरूर रिवाइज कर लेना। इसमें वायर में जो करंट डेंसिटी है वो अलग अलग दूरियों पर अलग अलग है, वायर के एक्सिस पर देखा जाए तो करंट डेंसिटी कम और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे करंट का जो घनत्व है वो बढ़ता जा रहा है, तो हमें 0 से लेके R/4 दूरी तक बहने वाली कुल टोटल करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन मेथड इसलिए लगाया क्योंकि इस प्रॉब्लम में जो करंट डेंसिटी थी वो कांस्टेंट नहीं थी, यूनिफॉर्म नहीं थी बल्कि नॉन यूनिफॉर्म थी, और इसी वजह से हमको इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ा। इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर रिवाइज कर लें, फिर अगली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एक वायर है जिसको मेल्ट किया गया और मेल्ट करने के बाद उसको खींच दिया गया, यानी कि और बड़ा कर दिया गया, और कितने गुना बढ़ा दिया गया इसकी लंबाई को खींच कर n टाइम्स बढ़ा दिया गया। पहले इसकी लंबाई l थी और अब इसकी लंबाई n टाइम्स l कर दी गई है, और हाँ मेल्ट करने के बाद बढ़ा दिया, या ये कह दो कि थोड़ा सा हीटअप कर दिया और हीटअप करने के बाद खींच दिया, तो पहले लंबाई l थी और बाद में लंबाई n टाइम्स हो गई। तो हमारा क्वेश्चन है कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर पहले वाला रेजिस्टेंस R था तो इसका नया रेजिस्टेंस R डैश क्या होगा, ठीक है ना। अब जब हम किसी वायर को खींचते हैं, वैसे तो आप लोग जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है, ठीक है ना। जब हम किसी हाँ तो इससे ये लगता है कि R L के प्रोपोर्शनल है और R A के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन R L के प्रोपोर्शन तब बोला जाता है जब A कांस्टेंट हो, और R A की इन्वर्सली तब बोला जाता है जब L कांस्टेंट हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, जब भी हम किसी वायर को खींचते हैं, ये देखिए, तो पहले ये मोटा वायर होता है जब इसकी लंबाई L होती है, और जब इसको हम खींच देते हैं तो लंबाई बढ़ती है और क्रॉस सेक्शन का मान कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पर लेंथ और क्रॉस सेक्शन दोनों बदल रहे हैं, और दोनों बदलने की वजह से हम ये फंडे कतई अप्लाई नहीं कर सकते, हमें कुछ नए फंडे डेवलप करने पड़ेंगे। तो नए फंडों को देखिए, हम ये कहते हैं कि अगर पहले कोई वायर मान लीजिए कि ये था और बाद में उसको खींच दिया गया और खींचने की वजह से अब वो इस प्रकार का हो गया, ठीक है ना, लेकिन ये तय बात है कि मास तो नहीं बदलेगा क्योंकि मटेरियल तो हमने कहीं लिया नहीं है, और मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, ये भी कट गया। वॉल्यूम का मतलब होता है ए इंटू एल, यानी कि A1 L1 = A2 L2, और इससे हमको ये पता चलता है कि L1 by L2 = A2 by A1 होगा, ठीक है ना। अब जरा हम ये देखेंगे, जब इसका रेजिस्टेंस R1 था और इसका रेजिस्टेंस R2 था, तो R1 को हम क्या कहेंगे, R1 को हम कहेंगे रो L1 by A1, और R2 को हम क्या कहेंगे रो L2 by A2। इस प्रकार से अगर हम R1 और R2 के रेशियो की बात करें तो ये L1 by L2 और A2 by A1 होगा, और अगर हमने A2 by A1 को भी L1 by L2 लिख दिया तो ये हो जाएगा L1 by L2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी तार को खींचते हैं तो जो रेजिस्टेंस होता है वो L नहीं बल्कि L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो A नहीं बल्कि A स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन फंडों का की हेल्प हम तब लेंगे जब हम किसी वायर को खींच कर लंबा करेंगे। अगर हम नया वायर ले लेंगे
तो हम ये फंडों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम उसी पुराने वायर को खींच कर लंबा करेंगे या दबा कर छोटा करेंगे, तो हम प्रॉब्लम को R प्रोपोर्शन टू L नहीं बल्कि R प्रोपोर्शन टू L स्क्वायर से, R इन्वर्सिटी टू A नहीं बल्कि R इन्वर्सिटी टू A स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है जो मैंने तुमको बताया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या होगा, तो R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 बाई L1 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यानी कि एन एल बाई एल का होल स्क्वायर, एल से एल कैंसिल करने पर एन स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स R1 होगा, यानी कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा B, सही आंसर होगा B आंसर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को रिवाइज करिए, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये एक और प्रॉब्लम देखिए ध्यान से, इसमें कहा जा रहा है कि एक सर्किट है जिसमें R के बगल में अमीटर लगा हुआ है और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अमीटर की रीडिंग 3 एम्पियर है, यानी कि यहाँ पर करंट 3 एम्पियर है, और वोल्ट मीटर की रीडिंग 6 वोल्ट है, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। तो हमसे पूछा गया है कि R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू 2 से बड़ी होगी या 2 के बड़ी या बराबर होगी या 2 ही होगी या 2 से कम होगी, ये हमसे पूछा गया है। आइए इस क्वेश्चन को जरा इस प्रकार समझें कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट था तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी 6 वोल्ट होगा, क्योंकि ये ब्रांच और ये ब्रांच एक दूसरे के पैरेलल है। अब बात करते हैं कि ऊपर वाली ब्रांच में ऑन आर ब्रांच, आर वाली ब्रांच में डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर। तो गलती ये होती है कि डेल्टा वी तो आपने 6 लिख दिया, फिर आई को आपने 3 लिख दिया और आर को आर लिखा रहने दिया, और आंसर आ गया इज इक्वल टू 2 ओम, और ये गलत आंसर होगा। क्योंकि आप लोगों ने गलती से अमीटर के रेजिस्टेंस को कंसीडर ही नहीं किया है। जब अमीटर लगा हुआ है तो उसका भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ऐसा कहीं नहीं। अगर अमीटर आइडियल होता तो उसका रेजिस्टेंस 0 होता, लेकिन अगर अमीटर के बारे में ये नहीं कहा गया है कि वो आइडियल है या नॉन आइडियल है, तो हमें उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गलती हो गई, तो अब हमें इस प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करना होगा। डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, और डेल्टा वी की जगह पर 6 और आई की जगह पर 3 और आर की जगह पर आर नहीं बल्कि आर प्लस अमीटर का आर नॉट भी करना पड़ेगा। इस प्रकार से आर प्लस आर नॉट इज इक्वल टू 2 होगा, यानी कि आर इज इक्वल टू 2 माइनस आर नॉट होगा, यानी कि आर का मान 2 से थोड़ा सा कम होगा, 2 के एग्जैक्टली बराबर नहीं होगा। प्रॉब्लम ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए फिर अगले प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इस प्रॉब्लम को जरा देखिए, इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि ए और बी दो वायर्स हैं जिनके मास इक्वल हैं, जरूरी बात बताई गई है, मास इक्वल हैं, और वायर ए हैज हाफ द डायमीटर ऑफ द वायर बी, यानी कि वायर ए का डायमीटर वायर बी के डायमीटर का हाफ है। ये मान लें कि ये ए है, देख लीजिए ये ए है, और ये जो डबल डायमीटर वाला ये है ये बी है। इसको हमने थोड़ा छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि मास दोनों के सेम है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि अगर पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस 24 ओम हो तो दूसरे वाले वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। मास दोनों का सेम है, डायमीटर के मामले में इसका डायमीटर अगर 2D है तो इसका डायमीटर D है, ये बात है। तो हमें बताना है कि अगर इसका रेजिस्टेंस 24 ओम हो तो इस वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए रेजिस्टेंस के फॉर्मूले तो हमको पता ही हैं, लेकिन हमको डायमीटर के फॉर्म में फॉर्मूले बनाना पड़ेगा। यानी कि जैसे दिया हुआ है कि M1 इज इक्वल टू M2, यानी कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी दोनों की सेम है क्योंकि दोनों का सेम मेटल के हैं, तो दोनों की डेंसिटी सेम होगी, वॉल्यूम सेम। यानी कि A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, यानी कि L1 बाई L2 इज इक्वल टू A2 बाई A1, और A2 बाई A1 का मतलब आगे देखते हैं। पहले वाले का R1 रो L1 बाई A1, दूसरे वाले का R2 रो L2 बाई A2, इसलिए R1 बाई R2 शुड बी इक्वल टू L1 बाई L2 और A2 बाई A1। क्योंकि हमें अपनी प्रॉब्लम को डायमीटर के फॉर्म में लेकर आना है, इसलिए हम L1 बाई L2 को A2 बाई A1 से रिप्लेस करके, और ये A2 बाई A1 तो पहले से ही था, इसमें देखिए इसको A2 बाई A1 से रिप्लेस कर दिया,
तो ये बन गया ए टू बाई ए वन का की पावर फोर, ठीक है ना, क्योंकि ये, अच्छा एक सेकेंड, ये अभी स्क्वायर था, अभी ये स्क्वायर फॉर्म में था, तो अभी ये स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है ना। और अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो तो आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू डी टू बाई डी वन की पावर फोर हो जाएगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला सभी को मालूम है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर भी कह सकते हैं और पाई डी स्क्वायर बाई फोर भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि क्रॉस सेक्शन एरिया डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, रेडियस के स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और डायमीटर के स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो अब फाइनल बात करते हैं, बिल्कुल फाइनल स्टेप इस क्वेश्चन का, आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू डी टू यानी कि 2d और d1 मतलब d की पावर 4 यानी कि ये हो गया 16 और r1 है 24 और r2 हमें कैलकुलेट करना है। तो r2 इज इक्वल टू 24 बाई 16 यानी कि 3 बाई 2 और 3 बाई 2 का मतलब 1.5 ओम होगा। ये क्वेश्चन डेफिनेटली एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये यकीन मानिए कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जरा इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमको लग रहा है। एक रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस है जो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ये बात सभी को पता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, ये बात सभी को पता है। और यही यहाँ पे शो किया जा रहा है कि एक वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ रहा है। टी नॉट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आर नॉट शो किया गया है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है रेजिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है वायर का, ये शो किया गया है। तो हमें बताना क्या है, हमें अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, अल्फ़ा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। आप में से लगभग सभी को पता होगा कि ये एक फॉर्मूला होता है आर एट टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आर एट टी नॉट डिग्री सेल्सियस एंड वन प्लस अल्फ़ा और टी माइनस टी नॉट, ये फॉर्मूला आप में से सभी को पता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फ़ा टी टू माइनस टी वन, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब तुम लोग एक फॉर्मूला और अच्छी तरह से जानते हो और फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला पता ही होगा तुम लोगों को। तो अब हम ये देखें कि यहाँ पर किस तरीके का ये नेचर है। तो आर इज इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस आर नॉट, ये इक्वेशन किस प्रकार की बन रही है, ये इक्वेशन बन रही है किस प्रकार की, ये इक्वेशन बन रही है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की। तो जो हम कंपेयर करेंगे तो डेल्टा टी के बगल में जो लिखा होता है वो स्लोप होता है, तो वहाँ पर डेल्टा टी के बगल में क्या लिखा हुआ है, स्लोप लिखा हुआ है आर नॉट अल्फ़ा, स्लोप आर नॉट अल्फ़ा, और यहाँ पर स्लोप दिया हुआ है एम, यानी कि एम इज़ इक्वल टू आर नॉट अल्फ़ा, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू एम बाई आर नॉट। डेफिनेटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए आपको एक बार यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, ये फार्मूला होता है हमको अच्छी तरह से मालूम है, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है और वही यहाँ पे लिखा गया है आर नॉट को, हाँ इसको आर नॉट मान लो, तो आर नॉट को अंदर ले गया तो ये बन गया। अब देखो ये इसको ज़रा देखो, आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी होता है, इसको हमने इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो ये समझ में आ गया कि ये वाई की जगह पर है और ये एक्स की जगह पर है, देखो है कि नहीं एक्स की जगह पर, और ये इंटरसेप्ट है आर नॉट, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि डेल्टा टी के बगल में जो नंबर होगा वही एम होगा और एम को हम लोग क्या कहते हैं, एम को हम लोग स्लोप कहते हैं, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा टी के बगल वाला नंबर, और डेल्टा टी के बगल वाला जो नंबर है वो क्या है, डेल्टा टी के बगल वाला जो नंबर है वो आर नॉट अल्फ़ा है, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू आर नॉट अल्फ़ा, और स्लोप यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है एम, यानी कि एम इज इक्वल टू आर नॉट अल्फ़ा, इसलिए अल्फ़ा इज इक्वल टू एम बाई आर नॉट। इसको ज़रूर रिवाइज कर लेना एक बार, अपने आप एक बार और देख के ठीक से समझ के रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन देखिए, एक सर्किट शो किया गया है और इस सर्किट में देखिए ये तीन रेजिस्टेंसेस,
ये तीन रेजिस्टेंसेस और ये तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं और यहाँ से तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं, यानी कि जो सर्किट है वो इस प्रकार का है। जो सर्किट है वो ये है कि ये तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं और ये तीनों यहाँ से जुड़ गए हैं, और उसके बाद ये तीन रेजिस्टेंस और हैं और ये भी पैरेलल में हैं और यहाँ पे जुड़ गए हैं। उसके बाद बैटरी वगैरह का एप्लीकेशन किया गया। अब क्वेश्चन सुनो क्या है, क्वेश्चन ये है कि जब सारे बल्ब ग्लो कर रहे हैं, हाँ ये सब बल्ब हैं, पहले बता दिया हमने ये सारे के सारे बल्ब्स हैं, जब सारे बल्ब ग्लो कर रहे हैं तो पावर कंजम्पशन P1 है, और जब लेफ्ट साइड के दो ही ग्लो कर रहे हैं और एक ख़राब हो गया मान लो, और राइट साइड का सिर्फ एक ही बल्ब ग्लो कर रहा है, बाकी दोनों ख़राब हो गए, तो अब अगर वही बैटरी लगी हो तो पावर कंजम्पशन P2 होगा। तो P1 और P2 का रेशियो हमको पता लगाना है, यानी कि क्वेश्चन ये है कि जब सारे बल्ब जल रहे हैं तो पावर कंजम्पशन P1 है, और जब लेफ्ट साइड के सिर्फ दो और राइट साइड का सिर्फ एक ही बल्ब ग्लो कर रहा है, बाकी सब फ्यूज़ हो गए हैं, तो अब पावर कंजम्पशन P2 है। तो P1 और P2 का रेशियो कैलकुलेट करना है। ज़रा यहाँ देखें तो ये पूरा R/3 होगा और ये भी R/3 होगा, तो नेट रेजिस्टेंस जो होगा इस कंडीशन में, नेट रेजिस्टेंस दैट विल बी 2R/3। तो इस समय जो पावर कंजम्पशन होगा वो होगा V² / R net, और R net का मतलब है 2R और / 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, इन ये दोनों पैरेलल में हैं तो इन दोनों का R/2 होगा, और ये अकेला R है, और ये दोनों सीरीज़ में हैं, ये दोनों सीरीज़ में हैं, इसलिए इस समय जो R net होगा वो R/2 + R यानी कि 3R/2 होगा, और इसलिए इस समय जो पावर कंजम्पशन लिखा जाएगा वो V² / R net यानी कि V² / R net यानी कि V² / 2/3R और / 2 चला जाएगा ऊपर। तो अब हमें रेशियो कैलकुलेट करना है, तो रेशियो P1/P2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, तो V² / R तो दोनों में है तो ये तो कट ही जाएगा, और ऊपर वाले का 3/2 और नीचे वाले का 2/3 बच जाएगा, तो ये रेशियो आएगा 9:4, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अनसॉल्व में भी दिया हुआ है, अनसॉल्व में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, अनसॉल्व में इसका आंसर 4:9 दिया हुआ, बल्कि जबकि ये आंसर सही नहीं है, गलत है, आंसर इसका सी होगा, बी नहीं होगा। क्वेश्चन सिंपल है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करिए, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4 सेल्स वो भी सबके सब आइडेंटिकल हैं और इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और कनेक्ट करने के बाद उनका जो नेट ईएमएफ बनेगा और उसके बाद जो टर्मिनल पोटेंशियल बनेगा उसका और करंट के बीच ग्राफ क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये ग्राफ है टर्मिनल पोटेंशियल और करंट का ग्राफ। ग्राफ में इंटरसेप्ट 5.6 शो किया गया है, ठीक है ना, और स्लोप हम लोग इस लाइन के एंगल से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से बाहर से, ये नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है। तो आपको ये बताना है कि एक सेल का ईएमएफ क्या होगा, और इस ग्राफ से हम ये भी बता सकते हैं कि नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। पहली बात तो ये है कि टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 4 सेल्स हैं, इसलिए एक का ईएमएफ नहीं बल्कि सभी चारों का ईएमएफ लेना पड़ेगा, यानी कि नेट ईएमएफ लेना पड़ेगा। तो ये हो गया टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू नेट ईएमएफ माइनस IR, और स्ट्रेट लाइन है इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करें, माइनस RI प्लस नेट ईएमएफ। इसका मतलब साफ है कि ये Y इज इक्वल टू MX प्लस C से मैच कर रहा है, और इसीलिए जो ग्राफ दिया हुआ है वो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि I के बगल में जो ये नंबर लिखा होगा यही स्लोप होगा, क्योंकि इससे हम लोग स्लोप कहते हैं। ये देखिए स्लोप हो गया, और ये देखिए इंटरसेप्ट, ये C इंटरसेप्ट है जो कि नेट EMF के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप इज इक्वल टू माइनस R होगा, स्लोप यानी कि tan थीटा विल बी इक्वल टू माइनस R, और थीटा 90 से बड़ा है तो इसको हम लोग माइनस 10 अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस R, जहाँ पर अल्फ़ा कौन सा वाला एंगल है, ये अल्फ़ा अंदर वाला लेस देन 90 वाला एंगल है, ठीक है ना। तो जब हमारा एंगल थीटा यानी कि स्लोप वाला एंगल थीटा 90 से बड़ा है, और अगर हम वहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो हमको कोई ट्रायंगल ही नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए इस हमको अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि जब हम अंदर आएंगे तभी हम ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे।
तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल करो जल्दी से जल्दी, ये कैंसिल हो गया, यानी कि टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू आर, और टेन अल्फ़ा यहाँ से कैलकुलेट करो 5.6 अपॉन 2, 5.6 बाई 2 इज इक्वल टू आर, इसका मतलब है आर इज इक्वल टू 2.8 ओम। हालांकि आर पूछा तो नहीं गया था, लेकिन पूछा जा सकता था इसलिए बता दिया गया। अब बात करते हैं इंटरसेप्ट की, इंटरसेप्ट जाई नेट के बराबर है और इंटरसेप्ट यहाँ पर शो हो रहा है 5.6 वोल्ट, यानी कि जाई नेट इज इक्वल टू 5.6, और ये फोर सेल्स आइडेंटिकल हैं तो नेट ई और सीरीज में है तो नेट ई एम एफ 4 जाई इज इक्वल टू 5.6, इसलिए ई एम एफ इज इक्वल टू 5.6 बाई 4, यानी कि 1.4 वोल्ट होगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही होगा। इसको रिवाइज करो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते जल्दी से। ये जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये भी क्वेश्चन है, पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, 12 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस 500 ओम का और ये रेजिस्टेंस 100 ओम का, और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है, यानी कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है बिल्कुल, यहाँ से लेके ए से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक यहाँ पर कोई करंट नहीं है, तो हमें सेकेंड बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सेकेंड बैटरी की प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ कि हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए पहले हमें करंट कैलकुलेट कर लेना चाहिए। ठीक है ना, करंट जो कि यहाँ से आएगी फिर नीचे उतर कर फिर यहाँ पर वापस चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट नहीं है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी करंट नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट लूप में, यानी कि फर्स्ट लूप में करंट कैलकुलेट कर लें। EMF अपॉन R एक्सटर्नल प्लस R इंटरनल, EMF 12 दिया हुआ है, R एक्सटर्नल 500 प्लस 100 यानी कि 600, और R इंटरनल 0 है, यानी कि ये 1/50 एम्पियर कैलकुलेट होकर आ गया, 1/50 एम्पियर। ओके, अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया जाए। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू 1/50 और आर की वैल्यू 100, यानी कि ये आया 2 वोल्ट। तो जब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा, तो इस पॉइंट सी और इस पॉइंट डी के बीच भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये और ये आपस में पैरेलल में हैं और गैल्वेनोमीटर पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप या कोई पोटेंशियल गेन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट नहीं है, और जहाँ पर करंट नहीं होती है, जहाँ पर करंट नहीं बह रहा होता है, वहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर में अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये तो बात हम भी मानते हैं कि गैल्वेनोमीटर का अपना कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि करंट ही नहीं बह रहा है, और जब करंट नहीं बह रहा होता है तो किसी भी रेजिस्टेंस पर ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना कोई पोटेंशियल गेन होता है, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और बी के बीच में होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट सी और डी के बीच में होगा। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 वोल्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके पहले जो क्वेश्चन थे वो भी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे। एक बात तो ज़रूर ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन बहुत पहले जिपमर, मणिपाल, CET कर्नाटका, AMU, BHU, FMC, एम्स, ठीक है ना, इन सभी एग्ज़ाम में AMU, MU इंजीनियरिंग या AIPMT में जो भी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, हालांकि अब सिर्फ नीट एक सिंगल एग्ज़ाम होता है, लेकिन वो जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो कभी भी नीट में रिपीट होंगे, इसलिए उन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर सॉल्व कर लेना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ये पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें ये कहा जा रहा है कि पोटेंशियोमीटर वायर के मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो 40 × 10⁸ - 8 दी हुई है। वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया 8 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि अगर वायर में 0.2 एम्पियर की करंट फ्लो कराई जाए तो वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ क्या होगा। पोटेंशियोमीटर में कितने सर्किट होते हैं? 2 सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट और दूसरा सेकेंडरी सर्किट।
यहाँ पे इस समय हम प्राइमरी सर्किट को शो कर रहे हैं, R इज इक्वल टू आर नॉट, और यहाँ पर ये है पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है ना, जिसका रेजिस्टेंस R और जिसकी लेंथ L मानी जाती है। इस पॉइंट को A कहते हैं और इस पॉइंट को B कहते हैं, और इसी प्राइमरी सर्किट से ही हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट को K से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो A B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ होता है, यानी कि वी ए बी बाई एल। वी ए बी हमें पता नहीं है, तो हमें वी ए बी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें करंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वी ए बी इज इक्वल टू आई आर, और पर यूनिट लेंथ यानी कि बाई एल। आई क्वेश्चन में दिया हुआ है, एल नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम आर को ओपन करने की कोशिश करेंगे। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो एल दिया नहीं था और ये कट भी गया, इसीलिए तो ये हो गया आई इंटू रो बाई क्रॉस सेक्शन एरिया 0.2 एम्पियर, और रेजिस्टिविटी 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस एट, और क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको जब कट करोगे तो 0.2 और ये 5 हो जाएगा, और 10 टू द पावर -2 कट करने के बाद 8, ये 40 है तो ये 5 हो गया। अब 5 इंटू 2 ये हो गया 1, तो 10 टू द पावर -2 वोल्ट पर मीटर। सारा कैलकुलेशन एसआई यूनिट में किया गया है, इसलिए वोल्ट यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल इसीलिए है क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन हैं, और आए हुए क्वेश्चन कभी भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। जब हम लोग क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हम लोग एक लिमिट से ज़्यादा टफ क्वेश्चन बताते हैं, थोड़े से ज़्यादा बता देते हैं, जिससे कभी पेपर कठिन आ जाए तो तुम्हें कठिन ना लगे। एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इतनी जल्दी से जल्दी सॉल्व हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि एक आसान क्वेश्चन भी आसान तभी लगता है जब तुम लोगों ने उसको ठीक से समझा, पढ़ा हुआ होता है, टॉपिक पे नज़र होती है, तो आसान क्वेश्चन वाकई आसान लगता है, और टफ क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसको देखो, समझो, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जरा ये क्वेश्चन देखना, ये भी पोटेंशियोमीटर का ही क्वेश्चन है, और इसमें ये कहा गया है कि एक पोटेंशियोमीटर है, उसका जो मेन सेल है उसका ईएमएफ ई नॉट है, और उसका रेजिस्टेंस आर वन दिया हुआ है, हालांकि आर नॉट माना जाता है, वो कोई बात नहीं, आर वन है। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है कि एक अननोन सेल को जब सेकेंडरी सर्किट में लगाया, गैल्वेनोमीटर लगाया और बैलेंस बनाने की कोशिश की, यानी कि गैल्वेनोमीटर में करंट जाने ना पाए इस बात की हमने कोशिश की, तो बैलेंस लेंथ एल पाई गई। बैलेंस लेंथ तब मानी जाती है जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना जाए, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है ना। लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है वो है एल, जो मेन सेल लगा हुआ है, ड्राइविंग सेल जिसको कहते हैं, वो उसका ईएमएफ है ई नॉट, और उसका रेजिस्टेंस है आर वन। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ एल मानी गई है और उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसको इधर करना पड़ेगा, वो लिखा हुआ है, आप दिख गया, ये लिखा हुआ है, इस वायर का रेजिस्टेंस आर माना गया है, ठीक है ना। देखिए, मेन सेल का ईएमएफ ई नॉट है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन है, पोटेंशियोमीटर वायर जो कि ए और बी के बीच हमेशा लगाया जाता है, उसकी लेंथ कैपिटल एल और उसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर बोला गया है। एक अननोन सेल हमेशा सेकेंडरी सर्किट में लगाया जाता है, उसका ईएमएफ ई है, और उसको बैलेंस करने के लिए जो बैलेंस लेंथ मिली है वो स्मॉल एल मिली है, तो इस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है। हमें तो लगता है कि बैलेंस लेंथ वगैरह की बातें तभी हो पाएंगी जब पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट किया जाए, जो कि वी बिटवीन ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर यूनिट लेंथ, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब यहाँ पर वी ए बी तो पता नहीं है, तो इसको हम लोग करेंगे आई आर बाई एल। आई भी हमको पता नहीं है, तो करंट की वैल्यू ई एम एफ अपॉन आर एक्सटर्नल
प्लस आर इंटरनल, ये हो गया करंट की वैल्यू, ईएमएफ अपॉन आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल और साथ में आर बाई एल, एज इट इज जैसे आ रहा था वैसे चला आ रहा है। अब एक अननोन सेल जो कि सेकेंडरी सर्किट में लगा होता है, जब अगर एल लेंस से बैलेंस होता है तो ई इज इक्वल टू के एल होता है, ये सभी को मालूम है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, तो इतनी दूरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू दिस लेंथ होगा, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ई नॉट आर अपॉन आर प्लस आर वन और साथ में एल, ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं और साथ में यहाँ पर एल और आ जाएगा, यानी कि ई नॉट आर एल अपॉन आर प्लस आर वन कैपिटल एल, ऊपर स्मॉल एल और नीचे कैपिटल एल। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको अपने आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ऑप्शन डी सही होगा। ये क्वेश्चन ए आई पी एम टी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको रिवाइज करो फिर आगे देखते हैं।